दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों देख लेते हैं क्या है खास आज के हमारे टेक न्यूज सेक्शन में। सो दोस्तों सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सिबिल की तरफ से। जी हाँ, जो हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे स्कोरिंग, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कोई भी लोन चल रहे हो, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी रखती है सिबिल, जो स्कोरिंग होती है, अब वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हेल्प करेगी। जी हाँ, जितने भी अभी परचेसिंग हो रही थी ई कॉमर्स पे, वहां पे उनके पास एक ईएमआई का ऑप्शन होता है, जिसके चलते कुछ लोग जो क्या कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे कि वहां पे ईएमआई कन्वर्जन करके सामान की डिलीवरी ले लेते थे, लेकिन बाद में पेमेंट नहीं हो पा रही थी। वहीं पे अभी जो सिबिल जो है, अब साथ में उनको हेल्प करेगी कि जैसे ही आपका ईएमआई के लिए आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके बाद तुरंत उनका फैचिंग जो है सिबिल के थ्रू अपडेट हो जाएगा कि आप, आपकी जो स्कोरिंग है, आप डिफॉल्टर तो नहीं, आपका आज तक का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो सारा का सारा उनके पास एक्सेसिबल होगा, उसके बाद ही आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी अपनी ऐप जो है ऐप स्टोर्स में अवेलेबल बहुत जल्दी करने वाला है, जिसके चलते जैसे हम अपने स्मार्टफोन्स को लॉगिन करने के लिए गूगल के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अब माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है हॉटमेल का, उसके थ्रू भी हम अब अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऑथेंटिकेशन के पर्पस पे अपना लाइव आईडी यूज कर पाएंगे। सो दोस्तों अगली जो अपडेट आ रही है वो है इंस्टाग्राम की तरफ से। जी हाँ, इंस्टाग्राम का जो ऑफलाइन एक नया फीचर आ रहा है, जिसके चलते आप जितनी भी प्री लोडेड इंफॉर्मेशन है उसमें अगर आपको किसी को कमेंट करना है, आपको किसी को लाइक करना है, आपको किसी को अनफॉलो करना है, या इस तरह का कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी है, तो आप विदाउट इंटरनेट भी अब कर सकेंगे। तो वो जैसे ही आपका डिवाइस ऑनलाइन जाएगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सर्वर से उनकी फैचिंग हो जाएगी। तो अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों बेंदु कंपनी से आ रही है। जी हाँ, बेंदु कंपनी भी अब अपनी सेल्फ ड्राइविंग जो कार है वो जुलाई में लॉन्च कर रही है, मतलब उसका काम स्टार्ट कर रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो जैसे स्मार्टफोन बनाने के लिए पूरी होड़ मची हुई थी, वैसे ही अब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बनाने में भी पूरी हर कंपनी आगे से आगे बढ़कर आ रही है। जी हाँ, एप्पल के बाद अब बेंदु कंपनी जो है वो भी अभी सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रही है। उनका कहना है कि ये 2020 तक जो है मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएंगी, लॉन्च कर दी जाएंगी, तो ताकि आम पब्लिक जो है उसको खरीद के यूज कर सके। और इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया है अपोलो। तो दोस्तों आप इस सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सक्सेस हो पाएंगे? आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो वापस हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।